हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं लास्ट दो दिन थोड़ा मार्केट एक ही जगह पे मतलब एक रेंज का ऊपर घूम रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। पहले आप मार्केट एक लोअर पॉइंट का बाद यहाँ से फिर से गया, फिर से नीचे आया और फिर से थोड़ा ऊपर, तो मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करने के लिए लिया हुआ है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मार्केट अगर ये हिसाब से चला गया तो जैसे आप देख सकते हैं कल ये सपोर्ट बनाया यहाँ पे, सो 200 का ऑलमोस्ट सपोर्ट आसपास से सपोर्ट किया, तो उसका बाद ऊपर गया हायर पॉइंट, जो पहले हायर पॉइंट था एक ट्रेंड लाइन का आसपास से, अगर मैंने ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आपको हो सकता है, तो यहाँ से गया तो बाद में फिर से मार्केट रिट्रेस हुआ। तो एक फॉर्म कर रहा है पैटर्न, तो यहाँ से सपोर्ट होके फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये आज अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो मुझे लगता है एक बटरफ्लाई पैटर्न फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो एक बटरफ्लाई पैटर्न फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा लिए ये जो हायर पॉइंट था तो अराउंड 28,000 का आसपास, राइट। सो ये फॉर्म करने के लिए लिया हुआ है जो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कंसर्न होना चाहिए इसमें हमको एंट्री कहाँ करना है, कौन सा डायरेक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई पैटर्न लिया हुआ है फॉर्म करने के लिए लिया। तो अगर ये बटरफ्लाई पैटर्न हो गया तो हमें अगर लिया तो हम बाय ही करना चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देंगे तो राइट। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिसे अभी आप हम देखेंगे तो बटरफ्लाई पैटर्न होगा, जिसे यहाँ पे हायर लोअर पॉइंट हाई रिट्रेसमेंट फिबोनाची और ये रहेगा एक्सटेंशन, राइट। तो देखने से एक बटरफ्लाई पैटर्न जैसे रहेगा ये, राइट। तो ये पैटर्न में रहेगा, तो ठीक है, हमें ये पैटर्न हमें तो मिल गया, तो हमें एंटी और एग्जिट कहाँ करना है। तो अगर हमें एग्जिट और एंटी करना है तो इसलिए हम जाएंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक बाय सिग्नल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जो ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और ये इसी मुको लाइन मैंने जो दिया येलो, इसको ब्रेकआउट करनी, तो हमें एंट्री करना है ये जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था इसका ऊपर में हमें बाय करना है। और ऐसा ये इसी को लाइन जैसे पीरियड रहेगा आपका 27,200 का आसपास बाय एसएल लगा सकता है, और टारगेट आप पहले हाई पॉइंट में प्रीवियस हायर पॉइंट जैसे 27,600 में ले सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।